हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंगेश घर में लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडेज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू शॉक। इन लास्ट लेक्चर वी सी द प्रॉब्लम ऑन स्प्रिंग। द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज लेक्चर आर स्टूडेंट आर एबल टू नो द वेरियस टाइप्स ऑफ शॉक, differentiate between shaft, axle and spindle, different material used for shaft, advantages of hollow shaft over solid shaft, design of shaft on the basis of rigidity, maximum shear stress of solid and hollow shaft. The program outcome of today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10, similarly PSO1, PSO2 and PSO3. Now we see the classification of shaft. The following two types of shaft. First one is a transmission shaft. Okay. This shaft, transmission shaft kya hota hai yahan pe? This shaft transmit power between the source and the machine absorbing power. The counter shaft, line shaft, overhead shaft and all factory shaft are transmission shaft. Since this shaft carry machine part such as pulley, gears, etc. Therefore, they are subjected to bending in addition to twisting. Transmission shaft are further categorized in axle, spindle, counter shaft and line shaft. So, जैसे आपको ये दिख रहा है, this is called as a axle, okay? Then this is the spindle of the drilling machine. Then this is a counter shaft जो आपने इसमें देखा है ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में, देर इज अ गेयर बॉक्स, देन देर इज अ काउंटर शाफ्ट, मेन शाफ्ट, देन देर इज अ लाइन शाफ्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइन शाफ्ट, ओके, विच विल ट्रांसफर द पावर फ्रॉम हियर टू द रियर व्हील। दिस इज अ प्रोपेलर शाफ्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइन शाफ्ट। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन शाफ्ट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ शाफ्ट इज अ मशीन शाफ्ट, ओके। तो मशीन शाफ्ट मतलब जो आपका क्रैंक शाफ्ट रहता है, इट इज कॉल्ड एज अ मशीन शाफ्ट। इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मशीन, मतलब ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये कहाँ पे रहेगा आपका, मशीन में ही रहेगा या फिर इंजन में ही रहेगा। तो आपको दिख रहा है दिस इज अ क्रैंक शाफ्ट, ओके। तो क्रैंक शाफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मशीन शाफ्ट। नाउ वी सी डिफरेंशिएशन बिटवीन शाफ्ट, एक्सल एंड स्पिंडल। तो शाफ्ट क्या होता है, इट इज अ रोटेटिंग एलिमेंट विच ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, ओके। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये प्रोपेलर शाफ्ट दिख रहा है। तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या कर रहा है, इट विल ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द इंजिन टू द रियर एक्सल, ओके। देन इट इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स। देन सेकंड वन इज अ एक्सल। तो एक्सल क्या है, इट इज अ स्टेशनरी मशीन एलिमेंट विच इज यूज टू सपोर्ट द रोटरी बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रंट एंड रेयर एक्सल ऑफ ऑटोमोबाइल, तो ये इस पे सपोर्ट क्या किया है, डिफरेंशियल को मैंने सपोर्ट किया है या फिर रेयर व्हील को मैंने सपोर्ट किया है। देन इट इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट ओनली। वाई? बिकॉज इसका जो लोड एक्ट हो रहा है डिफरेंशियल का, ये एक्सल पे एक्ट हो रहा है, दैट्स वाई द बेंडिंग मोमेंट विल बी क्रिएटेड हियर। देन नेक्स्ट वन इज अ स्पिंडल। इट इज अ शॉर्ट शाफ्ट विच इम्पार्ट्स मोशन आइदर टू अ कटिंग टू अ वर्क पीस, स्पिंडल ऑफ रोटेटिंग मशीन, ओके। तो ये जो स्पिंडल ऑफ रोटेटिंग मशीन है या फिर ये ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल है, इट इज अ स्पिंडल, ओके। देन सब्जेक्टेड टू द टॉर्क एंड द एक्सियल फोर्स। तो यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क एक्ट हो रहा है और ये मैं इसको एक्चुअली फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, so that it will subjected the torque and the axial force. The different material used for shaft. The material used for shaft should have the following properties. First, it should have high strength. मतलब shaft जो material use कर रहे हो उसकी strength क्या रहना चाहिए, high. It should have good machinability. मतलब उस पर machining operation जल्दी से होना चाहिए. It should have low notch sensitivity factor. देन इट शुड हैव गुड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज, मतलब एनिलिंग, टेम्परिंग, ये जो प्रॉपर्टीज है
उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव हाई वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज, मतलब वियर को क्या करना चाहिए, उसने रेजिस्ट करना चाहिए। द मटेरियल यूज फॉर ऑर्डनरी शार्प इज कार्बन स्टील ऑफ ग्रेड्स 40C8, 45C8, 50C4 एंड 50C12। स्पेशल शाफ्ट विथ एडिशनल रिक्वायरमेंट आर मेड अप ऑफ अलॉय स्टील 20 mm 2, 35 mm 2 MO 28 एंड 40 Cr 1 MO 28। नाउ वी सी द एडवांटेजेस ऑफ हॉलो शाफ्ट ओवर अ सॉलिड शाफ्ट और व्हाई हॉलो शाफ्ट आर प्रिफर्ड ओवर सॉलिड शाफ्ट। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो हॉलो शाफ्ट जो रहता है इट इज अ लाइट इन वेट एज कम्पेयर टू द सॉलिड शाफ्ट फॉर द सेम पावर टू बी ट्रांसमिटेड एंड सेम मटेरियल ऑफ बोथ शाफ्ट। वो हॉलो शाफ्ट इज अ लाइटर देन द सॉलिड शाफ्ट, दैट्स वाई द हॉलो शाफ्ट इज अ मोर प्रिफर्ड देन द सॉलिड शाफ्ट। सेकेंड जो रहता है स्टिफनेस, ओके, फॉर द सेम वेट स्टिफनेस ऑफ हॉलो शाफ्ट इज मोर देन द सॉलिड शाफ्ट। देन स्ट्रेंथ, फॉर द सेम वेट द स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट इज मोर देन द सॉलिड शाफ्ट। मतलब सेम वेट का अगर आप सॉलिड शाफ्ट लेते हो और सेम वेट का अगर आप हॉलो शाफ्ट लेते हो तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, हॉलो शाफ्ट का ज्यादा रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉलो शाफ्ट इज मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड शाफ्ट विद द सेम वेट। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर रीजन इन इंडस्ट्री मोर प्रिफरेबली द हॉलो शाफ्ट इज अ प्रिफर्ड देन द सॉलिड शाफ्ट। Now we see design of shaft on the basis of rigidity. तो ये जो फॉर्मूला है मैंने फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉर्क इक्वेशन, ओके, दैट इज अ टी अपॉन जे वेयर जे इज अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, और सी के जगह पे आप क्या रख सकते हो यहाँ पे एल थीटा अपॉन एल, ओके, वेयर टी इज अ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इन न्यूटन एम एम, जे इज अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4 फॉर द सॉलिड शाफ्ट। सिमिलरली फॉर द हॉलो शाफ्ट जे की वैल्यू जो रहती है वो कितनी रहती है, पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4। सी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो सी की जगह पे आप कभी सिंबल रहेंगे आपको जी, तो जी और सी बोथ आर द सेम थिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस, तो जो भी आपको डिग्री में एंगल दिया जाएगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से। एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इन एमएम, ओके, तो इन दिस वे वी कैन डिजाइन द शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिडिटी। नाउ डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, देन फर्स्ट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द हॉलो शाफ्ट। फर्स्ट वी सी द व्हाट इज मीन बाय टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तो यहां पे क्या होता है, व्हेन अ मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट कपल एक्टिंग इन पैरेलल प्लेन्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से टॉर्क एक्ट हो रहा है, यहाँ से टॉर्क एक्ट हो रहा है इन अ पैरेलल प्लेन, इसी को क्या बोलते हैं टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, देन द मशीन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्शन, देन द स्ट्रेस सेट अप बाय द टॉर्शन इज नोन एज अ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, ओके। तो ये टॉर्क जो इक्वेशन है आपने फर्स्ट यूनिट में देखा है, टॉर्शनल इक्वेशन इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन डिजाइन द शाफ्ट। ओके, तो फ्रॉम द टॉर्शनल इक्वेशन टी अपॉन आर टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, तो इसमें से मैं ये दोनों टर्म लेता हूं अभी, टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे, ओके, तो वेयर जे इज अ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई एक्स एक्स अपॉन आई वाई वाई दैट इज पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4 प्लस पाई बाय 64 इंटू डी टू द पावर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4। हेंस यही फॉर्मूले से टाउ की वैल्यू कितनी होंगी, टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन जे अपॉन आर पाई बाय 32 इंटू डी टू द पावर 4 अपॉन 32 अपॉन डी डिवाइड बाय 2,
तो मुझे टाउ की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, 16 टी अपॉन पाई डी क्यू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द शार्प डिजाइन। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस फॉर द सर्कुलर सेक्शन। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन हॉलो शाफ्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, सेम टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन जे अपॉन आर, लेकिन यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो शाफ्ट क्या रहता है, पाई इंटू डी जीरो रेस टू द पावर 4 माइनस डी आर रेस टू द पावर 4 अपॉन 32 अपॉन डी जीरो डिवाइड बाय 2। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हेन वी आर टेकिंग द डी जीरो रेस टू द पावर 4 विल गेट कॉमन फ्रॉम हियर। ओके, एंड द रेशियो ऑफ डी आई अपॉन डी जीरो कितना रहेगा आपका के। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिला, 16 टी अपॉन पाई डी जीरो क्यू 1 माइनस के रेस टू द पावर 4। ओनली यहाँ पे डी जीरो रेस टू द पावर 4 आपने कॉमन लिया है। ओके, देन डी जीरो विल गेट कैंसल, तो आपको क्या मिला यहाँ पे डी जीरो क्यू। 32 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 16, 16 ऊपर में गया, दैट्स वाई 16 टी। देन डी जीरो रेस टू द पावर 4 कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 1। देन डी आर रेस टू द पावर 4 अपॉन डी जीरो रेस टू द पावर 4, ये क्या रहता है आपका k रहता है, दैट्स वाई k टू द पावर 4। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द हॉलो शाफ्ट। The unit outcome achieved in today's lecture are design the power transmission element like shaft, keys and coupling. Summary of today's lecture. Today we see the various types of shaft. We differentiate the shaft axle and spindle. Different material used for the shaft. Advantages of hollow shaft over the solid shaft. Then design of shaft on the basis of rigidity. Then maximum shear stress of solid and hollow shaft. Various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome are PO1, PO2 and PSO3. Various important questions asked in MSBT exam are, state the reason for using hollow shaft rather than the solid shaft for large power transmission. Second, design of shaft on the basis of rigidity. Third, give the classification of shaft or what are the different types of shaft. Then next, differentiate between shaft, axle and spindle. In next lecture, we see the explain in brief different types of key. Show that for a key equally strong in shear and crushing, the crushing stress is twice the shear stress. State the effect of keyway on the strength of shaft. Thanks. For any query, contact to me at 9359877398.